सभी का हमारा राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइन। मोदी सरकार के खिलाफ एक जाजम पर जुटा विपक्ष, कोलकाता में ममता की रैली में जुटे कांग्रेस समेत 15 दलों के नेता, एक सुर में बीजेपी को हराने का किया आह्वान। उधर महागठबंधन पर बरसे पीएम नरेंद्र मोदी, कहा भ्रष्टाचार करने वालों के लिए दिलों में बड़ी बेचैनी, एकजुटता मोदी नहीं बल्कि देश की जनता के खिलाफ। किसानों को 31 मार्च तक मिलेगा फसल खराबे का मुआवजा, सीएम के साथ बैठक के बाद बोले मंत्री मेघवाल, आपदा प्रभावित 5,500 गांवों को मिलेगी राहत। निर्वाचन विभाग ने भी शुरू की लोकसभा चुनाव की तैयारियां, वोटर अवेयरनेस प्रोग्राम जारी, तो ईसीआई ने भी ड्यूटी के लिए मांगा अफसरों का पैनल। फ्रेंडली पुलिसिंग के लिए डीजीपी की अनूठी पहल, थानों में दर्ज करवाई डिकॉय एफआईआर, फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में कहा आगे भी जारी रहेगा स्टिंग ऑपरेशन। इधर जलदाय विभाग में नहीं थम रहा भ्रष्टाचार का लीकेज, कागजों में काम बताकर भुगतान उठा रहे अधिकारी, तो जेलों में काले पानी की सजा भुगत रहे हैं कैदी। अमृत योजना में भी खुल रहा लापरवाही का शहर, जयपुर नगर निगम और आरयूआईडीपी की अनदेखी जारी, अटक सकते हैं 200 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट। इंडो थाई एयरलाइंस पर जयपुर एयरपोर्ट प्रबंधन की मेहरबानी जारी, बिना टैक्स चुकाए दौड़ रही कई गाड़ियां आरटीओ, किसी कार्रवाई का भी असर नहीं। दौसा में पोक्सो कोर्ट में सुनाई उम्र कैद की सजा, ताउम्र जेल में रहेगा दरिंदा, 3 लाख का जुर्माना भी लगाया, 4 साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म। और जोधपुर के बिलाड़ा में जहरीली घास खाने से 35 से ज्यादा गायों की मौत, 20 से ज्यादा गायों का इलाज जारी, पुलिस प्रशासन जांच में जुटा।